हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन प्रोसीजर ऑफ डोवेल बार्स की। अब हमें अभी तक तो ये समझने की कोशिश की कि डोवेल बार होता क्या है, कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है और क्या इसका काम होता है। बट अब इसको डिजाइन करेंगे तो इसके डिजाइन प्रोसीजर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा इंडियन रोड कांग्रेस है, IRC है, वो ये सजेस्ट करता है कि जब कभी भी हम डबल बार सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर डिजाइन करते हैं। और वो एनालिसिस किसके ऊपर है? ब्रैडबरी की एनालिसिस के ऊपर है, फॉर लोड ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ सिंगल डबल बार इन शेयर बेंडिंग एंड बियरिंग। समझने की कोशिश करिएगा कि IRC ने ब्रैडबरी एनालिसिस सजेस्ट की जिससे हम डबल बार सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो लोड ट्रांसफर कैपेसिटी ली गई है वो एक डोवेल बार की ली गई है, वो भी किसके किसके अगेंस्ट? शियर बेंडिंग और बियरिंग इन कंक्रीट के अंदर। तो इनके शियर की बात कर लूं या बेंडिंग की बात कर लूं या फिर बियरिंग की बात कर लूं कंक्रीट के अंदर, तो इनके अलग अलग कुछ फॉर्मूले हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है ब्रैडबरी ने दिए थे। तो जब हम बात करते हैं शियर के लिए, फॉर शियर इन द बार, तो उसका कुछ एक अलग फॉर्मूला है, जो कि कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है। पी डैश इज इक्वल टू 0.785 डी स्क्वायर एफ एस। क्या होता है बाद में जानने की कोशिश करेंगे। ये तो क्या हो गया फॉर शियर इन द बार। जब हम बात करेंगे फॉर बेंडिंग इन द बार, तो हमारी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पी डैश इज इक्वल टू 2d³ fb, इसके अपॉन में आ जाएगा क्या? एम्बेडेड लेंथ प्लस 8.8 del। एम्बेडेड लेंथ का मतलब LD प्लस 8.8 del। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? बेंडिंग के लिए बार के अंदर। एक और बचता है क्या? बियरिंग ऑन कॉन्क्रीट। अभी ये बेंडिंग बार के रेफरेंस में थी, शेयर बार के रेफरेंस में था, बियरिंग कॉन्क्रीट के रेफरेंस में, बियरिंग, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरीके से होगा। पी डैश इज इक्वल टू FC LD का स्क्वायर स्मॉल d, और ये आपका क्या हो जाएगा? d अपॉन, ठीक है। यहां पे क्या होगा? 1.25। अब ये क्या है, इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। आप ये फॉर्मूले को देख के घबराए ना कि ये क्या है, ठीक। तो ये अलग अलग ब्रैडबरी एनालिसिस के लिए एक डोवेल बार जो कि शियर बेंडिंग बियरिंग के लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर दिया गया है। अब अगर मैं पी डैश की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना है? लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल बार इन किलोग्राम्स। रीडिंग बहुत जरूरी है, याद रखना ये किलोग्राम्स में होगा, ठीक है। जब हम स्मॉल डी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? जो डोवेल बार है उसके डायमीटर की बात हो रही है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? आपकी सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये जो आपका LD है ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ एम्बेडेड ऑफ डोवेल बार इन सेंटीमीटर। मतलब ये अगर आपकी स्लैब है और ये आपकी स्लैब है तो ये कितनी लेंथ एम्बेडेड है इसके अंदर, इसकी लेंथ, इसी को आप क्या बोलेंगे? LD बोलेंगे, जिसको कि आप सेंटीमीटर में काउंट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये डेल की। ये डेल क्या है? ये जॉइंट की विड्थ है। वो जो जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट की विड्थ कितनी है वो इस डेल के थ्रू आप डिफाइन करते हो। और उसके बाद जब आप शेयर की बात कर रहे हो तो FS, बेंडिंग की बात कर रहे हैं तो FB, और जब बियरिंग की बात कर रहे हैं, बियरिंग इन कॉन्क्रीट, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? FC की। ये सब परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन डोवेल बार, परमिसिबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस इन डोवेल बार, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। इन सभी की यूनिट, क्योंकि ये अब स्ट्रेसेस है तो इन सभी की यूनिट क्या हो जाएंगी बेटा? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी ये फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बट मेन चीज क्या है? जो लोड कैपेसिटी है डोवेल बार की, वो अगर मैं बेंडिंग की बात करूं या बियरिंग की बात करूं, वो डिपेंड करती है आपके एम्बेडेड लेंथ के ऊपर।
इंडिविडेंट लेंथ के ऊपर। तो इसी ऑर्डर में अगर हमें एक बैलेंस डिजाइन करनी है, इक्वल कैपेसिटी की एक डिजाइनिंग करनी है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेंडिंग और बेयरिंग के अंदर जो लेंथ ऑफ एम्बेडेड है उसको सबसे पहले पी से इक्वेट करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगी उसके बेसिस पे हम एज्यूम करेंगे, चाहे वो ज्वाइंट हो या फिर डॉवेल का डायमीटर हो, और उसको फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद एक नया फॉर्मूला फर्दर डिजाइन होता है। वो क्या होता है, LD इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी FB अपॉन FC, बेंडिंग और बेयरिंग के बेसिस पे बात हो रही है बेटा। LD अपॉन LD, यहाँ पे 1.5 डेल हो जाएगा और यहाँ पे 8.8 डेल हो जाएगा, जो कि आपके फॉर्मूले में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये तो आपका ये एम्बेडेड लेंथ आ गया, कितनी एम्बेडेड लेंथ करनी है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई लोड कैरिंग कैपेसिटी की, जो कि आपको फॉर्मूला पहले से डिराइव था। बट अभी भी आपको ये नहीं पता चला कि यहाँ पे डोवेल वायर की स्पेसिंग कितनी होगी। अब उस स्पेसिंग को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कैपेसिटी फैक्टर पता होना चाहिए। कैपेसिटी फैक्टर कुछ भी नहीं होता है, एक रेशियो होता है बेसिकली, जो कि क्या बोलता है कि लोड ट्रांसफर कैपेसिटी रिक्वायर्ड from the dovel system to the load transfer capacity of a single dovel bar, जिसके basis पे आपकी क्या निकल जाती है, spacing निकल जाती है, और n stands for what, capacity factor। तो कुछ इस तरीके से आपकी designing होती है dovel bar की। अच्छा एक चीज और, ये dovel bar वहां पे satisfactory नहीं होती है जहां पे slabs की thickness बहुत थी, जहां पे थिकनेस उसकी 150 mm से कम हो, ठीक है ना। कहा गया है कि ना डोवेल बार आर नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर स्लैब्स ऑफ स्मॉल थिकनेस एंड शल नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर स्लैब्स लेस देन 150 mm थिक। तो ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है, 150 mm थिकनेस की स्लैब के लिए वहां पे आपका डोवेल बार सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिजाइन प्रोसीजर। आज के लिए इतना ही।